हेलो दोस्तों, पीएफ ऑनलाइन सर्विस चैनल में आप सबका स्वागत है। अब जैसे कि इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि फॉर्म नंबर 15G के बारे में और फॉर्म नंबर 15H के बारे में। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, आपको श्योरली आपको सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। आपका कुछ समय लूँगा इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ अभी वीडियो देखें गाइस। तो मैं आपको जो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है या अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये वीडियो में आपको मैं जो फॉर्म नंबर 15G के बारे में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले ये बता देता, अगर इन केस अगर आप फॉर्म नंबर 15G या फॉर्म नंबर 15H अगर आप नहीं फिल करेंगे तो आपका क्या लॉस हो सकता है, क्योंकि पीएफ के पोर्टल पे बहुत से चेंजेस हुए हैं जिसमें ये भी अभी पहले जो है फॉर्म नंबर 15G नहीं आता था। जब आप फिल करते थे तो फॉर्म नंबर 15G नहीं आता है, बट नाउ अगर आप फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको इवन अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है, चूज़ फाइल आपको करना होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताने जा रहा हूँ फॉर्म नंबर 15G कब एप्लीकेबल होता है। जब आपका जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई शेयर अगर आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है और अगर आपकी सर्विस लेस देन 5 ईयर्स होती है और अगर आपकी एज, इसमें एज भी जो है जैसे कि इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी एज 60 साल से कम है और अगर आपका पीएफ का अमाउंट, मैं सिर्फ पीएफ अमाउंट के बारे में बता रहा हूँ, पेंशन अमाउंट के बारे में नहीं, क्योंकि बहुत से लोग जो है मुझसे बोलते हैं कि सर क्या इसमें पेंशन अमाउंट भी इंक्लूड है, तो पेंशन अमाउंट नहीं होता है, सिर्फ आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई शेयर अगर आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो जब आपको जो है फॉर्म नंबर 15G आपको फिल करना होता है। और आपकी अगर सर्विस लेस देन 5 ईयर्स है और अगर आपकी एज बिलो, अगर यानी आपकी एज जो 60 साल से कम है, तो फिर आपको ये फिल करना होता है। अगर इनकेस अगर आप ये फिल नहीं किए तो क्या लॉस हो सकता है, तो ये लॉस होगा कि आपका 10 से लेकर 34% आपका TDS डिडक्ट होगा, क्योंकि फॉर्म नंबर 15G का मतलब है कि आपको TDS आपका सेव करने के लिए ये ऑप्शन होता है। और जहाँ तक बात रहा कि फॉर्म जो है आपका, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई शेयर नॉट योर पेंशन अमाउंट, पेंशन अमाउंट इसमें आप जो है कंसीडर इंक्लूड मत करना, सिर्फ आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई शेयर। वहाँ पे आप पासबुक ओपन करेंगे तो आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई शेयर वहाँ पे लिख के आता है, तो उसको ही सिर्फ आप जो कैलकुलेट कीजिएगा, पेंशन जो नीचे रहता है उसको कैलकुलेट मत कीजिएगा। अगर आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर आपको फिल करने की ज़रूरत होती है। अब आता है कि क्वेश्चन आता है कि फॉर्म नंबर 15H क्या होता है, ये मुझे कब देखेगा, तो ये वीडियो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्म नंबर 15H कब आपको जो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, जब आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है। अभी अगर आपकी एज जो है 68, फॉर एग्जांपल 68 है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पीएफ निकालने के लिए, तो फिर आपको वहाँ पे देखेगा फॉर्म 15H इंस्टेड ऑफ फॉर्म नंबर 15G, क्योंकि आपकी एज है जो है 60 साल से ज़्यादा है, तो आपको वह फॉर्म नंबर 15H आपको फिल करना होगा। और इसमें ये मैं आपको जो बताना चाहूँ कि एक मेरा जो फ्रेंड के साथ जो एक्सपीरियंस में आपको मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ था, उसने जो है बिना फॉर्म नंबर 15G चेक किए हुए, उसकी एज थी 34, बट उसने फॉर्म नंबर 15G नहीं चेक किया, उसने उसको बहुत ज़रूरत थी, उसने बहुत बोलते जल्दबाजी में उसने क्लेम कर दिया और उसके बाद अब उसको अमाउंट आया तो उसको जो है बहुत कम अमाउंट आया, यानी उसको जो है इसका कितना अमाउंट बता दे तो आपको मैं 10% उसका डिडक्ट हो गया। तो उसने मुझे कॉल किया, मेरे फ्रेंड ने, वो बोला कि यार मेरा 10% कम हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मैं बोला कि जो आपके तू अपने जो है UN नंबर और पासवर्ड मुझे सेंड कर, तो मुझे उसने सेंड किया। तो फिर मैंने जब चेक किया तो उसका पता चला कि उसने फॉर्म 15G भरा ही नहीं था, उसने जो है PDF मतलब उसमें कन्वर्ट करना होता है, वो भी लेस देन 2 MB जो साइज़ होता है वहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो उसने वो फिल ही नहीं किया था। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा इशू हुआ है, फिर उसके बाद उसने बैंक से कांटेक्ट किया, आगे जो भी हुआ प्रोसीजर। लेकिन इसके लिए मैं ये वीडियो क्यों बना रहा, जो मेरा मेन पर्पस है कि आप जो इसके बारे में अवेयर रहे, आपको इन्फॉर्मेशन रहे, क्योंकि जल्दबाजी में हम बहुत से काम जो कर देते हैं उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो प्लीज़ गाइस इसके लिए इस वीडियो को जो है जैसे कि आप पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी जानना है, जैसे कि क्या ट्रांसफ़र करने में क्या इशू हो रहा है, KYC के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाना है, आपकी कंपनी UN नंबर आपको नहीं दे रही है, UN नंबर आपको जनरेट करना है, तो आप जो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्टली इसके बारे में आपको मैं रिप्लाई करूंगा। तो आप इस वीडियो को जो है प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।